हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप आशा करता हूँ कि आप घर पे सुरक्षित होंगे और अपने आप का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि हम कई चीज़ में हमने सीखने के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, अब इसमें एक मापन और मूल्यांकन ये हमारे मापक और में। अब मापन किसे कहा जाता है? मापन यानी किसी चीज का बोला है कि निश्चित एक अंक निर्धारित करना। बोला है कि जैसे अब जैसे एक किलो का डब्बा है, अब उसमें एक किलो का डब्बा है तो एक किलो की चीज ही आएगी, ये उसका अंक है, उसका निश्चित एक निर्धारित अंक। अगर उसके एक किलो का डब्बा है तो उसमें एक किलो की ही चीज आएगी, दो आधा किलो का डब्बा है तो आगे दो आधा किलो ही चीज है, उससे ज्यादा नहीं आना। यानी हमने एक को निश्चित कर दिया, एक अंक निर्धारित कर दिया, तो उसको ही मापन कहते हैं। मापन यानी जो चीज मतलब कि हमने मूल्यांकन करके उसका रिसर्च करके या सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने उसका बताया कि एक निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष निकालने के बाद बताया कि इसकी ये वस्तु इसी मापन के है, ये वस्तु इसी लायक है, तो एक मापन। अब मैं इसकी परिभाषा के बाद से बताऊंगा कि मापन का किसी भौतिक पदार्थ के गुण और विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक रूप देने की क्रिया को मापन क्रिया कहते हैं। यानी भौतिक पदार्थों के गुण यानी उसके जो भी वस्तु है उसके गुण और उसकी विशेषताओं को देखते हुए उसके मतलब कि उस वस्तु की आकार उसके विचार उसकी जो भी है क्वालिटी उसकी विशेषताओं को देखते हुए उसका अंक निर्धारण करना वो क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। जैसे एक बच्चा एक क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, जब हम उसका टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट लेते हैं तो उसका किसी के 10 आते हैं, किसी के 8 आते हैं, किसी के 5 आते हैं, किसी के 4 आते हैं, लेकिन किसी के एक समान तो नहीं आते ना, एक समान बहुत कम आते होंगे, लेकिन सबके अलग अलग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके गुण उनके विशेषताओं की जो इन्होंने मतलब कि एग्जाम दिए वो सब अलग अलग करके दिए। अब हमने उनका अंग निर्धारण किया कि तू इस 5 अंक के लायक बुद्धिमान है, तू 10 अंक लाने जितना बुद्धिमान है, तो 1 नंबर लाने जितना बुद्धिमान है। यानी हमने अंक देखकर उसका एक निश्चित कर दिया। यानी मापन एक अंकात्मक मापन यानी अंक। यानी आप अगर किसी विषय वस्तु सॉरी वस्तु के बारे में अगर अगर आपको निष्कर्ष निकालना है या सही है गलत है अच्छी है बुरी है लाभ वो लाभदायक है वो हानिकारक है, तो आपको उसमें एक अंकात्मक देना है। यानी आप क्या क्या चीज़ है, क्या निष्कर्ष है उसका, तो उस अंकात्मक को ही हम क्या कहते हैं? मापन क्रिया कहते हैं। तब जैसे परिभाषा के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं का अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यानी हम अगर वस्तु के अंदर अंक दे रहे हैं तो उस अंक का उस वस्तु का पहले हम मूल्यांकन करेंगे, अवलोकन करेंगे, वो हर तरीके उस वस्तु का परीक्षा ली जाएगी, रिसर्च किया जाएगा, मतलब आकलन किया जाएगा, हर चीज को देखते हुए फिर उसके अंत में जब रिजल्ट निकलेगा परिणाम निकलेगा तो उसका एक अंक निर्धारण किया जाएगा। अंक निर्धारण का मतलब होता है कि जैसे मान लो क्या कितने नंबर की है, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, गलत है, वो लाभदायक है या नहीं है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये चीजें करते हैं, मापन करते हैं। अब जैसे उपरोक्त विवरण के अनुसार यह कहा जा सकता है कि मापन के मुख्य रूप से 3 कार्य है, मतलब है कि मापन के 3 कार्य है। अब कौन कौन से 3 कार्य है? कि यह वस्तुओं की श्रेणी व्यक्त करता है, यानी वस्तुओं की श्रेणी व्यक्त करता है। अपन मैंने कहा था कि भाई गुण और विशेषताओं के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है, फिर उसका अंक निर्धारित किया जाता है। यानी यह वस्तुओं की श्रेणी व्यक्त करता है, वो किस श्रेणी की, किस लायक है, कि अच्छे की लायक है, सर्वोच्च सर्वोच्च है, उत्तम है, अति उत्तम है, अच्छी है, बुरी है, तो ये किसकी क्या श्रेणी बन जाती है। श्रेणी के आधार पर उसको बांट दिया जाता है। अब यह संख्याओं की श्रेणी को व्यक्त करता है, यानी संख्याओं की श्रेणी को व्यक्त करता है, मतलब अलग अलग भावों बांट देता है तो इसकी क्या होती है, संख्या निर्धारित होती है। हम जैसे एक जैसे मान लो एक वस्तु है कोई भी, जैसे मान लो कोई साबुन की
किताबों की हैं, अगर हम उसका मापन करेंगे तो अच्छी क्वालिटी में होगा तो उसको सर्वोत्तम में डालेंगे, अगर मीडियम होगा तो अच्छे में डालेंगे, और अगर खराब होगी उसको खराब में डालेंगे। यानी ये तीन स्तर हो गया, यानी ये संख्याओं की श्रेणी को व्यक्त करता है, ये वस्तुओं का अंक प्रदान करने वाले नियमों का व्यक्त करता है, यानी वस्तुओं को जो अंक प्रदान किए जाते हैं उस अंक को वो क्या करता है, व्यक्त करता है। तो ये है अपने मापन, अब इसके आगे से आप आगे पढ़ेंगे।